हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न हिस्ट्री सेशंस में हम लोग आज पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे हमारा पहला चैप्टर है द फॉल ऑफ औरंगजेब हमने इस चैप्टर को प्रोमिनेंस दिया है क्योंकि कई मॉडर्न हिस्टोरियंस या फिर कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस का ये मानना है कि सेवनटीन नाट सेवन जो कि डेथ ईयर है औरंगजेब का इट इज़ एक्चुअली बिलीव टू बी द एंड ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि औरंगज़ेब था क्या औरंगज़ेब की वो कौन सी पॉलिसीज थी जिसके वजह से मुगल एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ या फिर औरंगज़ेब के वो कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव लूपहोल्स थे जिसके वजह से रेबेलियन स्टार्ट हुआ वॉज इट ओनली द रिलीजियस एंड इनटॉलरेंस एटीट्यूड ऑफ़ औरंगज़ेब टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन दैट लेड टू द डाउनफॉल और वॉट काइंड ऑफ अ रूलर वॉज ही विच पेड फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर एंड टू द राइज ऑफ़ माइटी टी तो चलिए हमारा पहला चैप्टर शुरू करते हैं देखिए के सबसे पहले हम जानेंगे कि औरंगजेब तख्त तक या फिर थ्रोन तक आया कैसे ही वॉज अपॉइंटेड वाइस रॉय ऑफ डेक्कन इन सिक्सटीन थर्टी देखिए जब हम बात करते हैं राजे रजवाड़ों की या बादशाहों की तो एम्पायर एक होता था एडमिनिस्ट्रेशन भले ही सेंट्रलाइज्ड क्यों ना हो उसके पार्ट्स जो होते थे वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज होते थे यानी कि जागीरदार या फिर वतन जागीरस दिए जाते थे तो फिर पूरे कंट्री को जो है सूबा में डिवाइड किया जाता था जिन्हें प्रोविंसेस भी कहते हैं तो इन प्रोविंसेस में अलग अलग प्रोविंसेस होते थे जैसे कि साउथ में डेक्कन या फिर आगरा या फिर बनारस या फिर बंगाल तो इस तरीके से वाइस रॉयस दिए जाते थे वाइस रॉयल्टी दी जाती थी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोजिशन जो होते थे वो रॉयल हाउस होल्ड्स को दिए जाते थे ज़्यादातर प्रिंसेस को दिए जाते थे क्योंकि उन्हें ग्रूम किया जाता था ताकि कल को वो बादशाह बन सकें तो इसी तरीके के प्रावधान के तहत जो है शाहजहान का बेटा यानी कि इस चैप्टर का हीरो औरंगजेब जो है वो डेक्कन का वॉइस रॉय बन गया गवर्नर बन गया सिंस अर्ली एज रिलीजियन एंड हिस्ट्री फैसिनेटेड हिम एक छोटी सी उम्र से ही जो के और कई हिस्टोरियंस का मानना है कि फ्रॉम द अर्ली एज ऑफ 14 इयर्स इट सेल्फ औरंगज़ेब एक्सपर्ट इज ओवर रिलीजियन वो ज़्यादातर जो है इस्लामिक स्कॉलर्स या सूफियों के साथ उसका चलन ज़्यादा था तो वो रिलीजियन जो है एक बहुत ही इनग्रेंड किया गया था औरंगज़ेब की पर्सनैलिटी में विद एन अर्ली एज हिस्ट्री ऑल्सो फैसिनेटेड हिम आ लॉर्ड बचपन से ही या फिर बहुत ही यंग एज से ही औरंगजेब जो था वो बहुत ही फैसिनेटेड था इतिहास से वो बेहतर जानता था कि हिंदुस्तान और देश भर या फिर दुनिया भर में वो कौन से महान एम्पायरस थे और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरीज किस तरीके से थे और वो किस तरीके से काम करते थे ही वॉज़ वेरी वेल वर्स्ड विथ हिस्ट्री इन सिक्सटीन थर्टी सिक्स ब्रॉड द निज़ाम शाही डानेस्टी टू एन एंड अभी हमने देखा कि सिक्सटीन थर्टी सिक्स ए डी में औरंगज़ेब को जो है वो डक्कन का वाइस रॉय बनाया गया और वाइस रॉय बनते ही निज़ाम शाही डाइनास्टी जो कि डक्कन में दबदबा चला रही थी ही ब्रॉड दैम डाउन एंड ही सबड्यूडेड द एंटायर एरिया टू द मुगल सुजार्निटी तो देखिए हाउ माइटी ही वॉज दट एट एट वेरी अर्ली एज ऑफ सिक्सटीन ईयर्स इट सेल्फ ही हैज़ वन दॉर हैड ए कन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप विद हिज फादर शाहजहान गिवन हिज क्लोजनेस टू दारा शिको दरअसल शाहजहान के जो थे वो चार बच्चे थे हम आगे के स्लैड्स में जानेंगे कि वो कौन थे और उनके बीच वॉर ऑफ़ सक्सेसन किस तरीके से हुआ लेकिन फिलहाल के लिए इतना जाने के हिज रिलेशनशिप्स विद हिज़ फादर वॉज नॉट गुड और वॉज नॉट कॉर्डियल टू सच एन एक्सटेंट बिकॉज गिवन टू द क्लोजनेस विद शाहजहां शेयड विद हिज एल्डेस्ट सन दारा शिको प्रूविंग हिमसेल्फॉर दी ही डिड नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न हमने देखा कि डिक्कन के, के वॉइस रॉय या फिर गवर्नर बन चुके थे औरंगजेब तो उन्होंने ऐसा कोई भी काम या फिर ऐसा कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा प्रूव करने के लिए कि ही वॉज वर्थी ऑफ द माइटी मुगल थ्रोन लेकिन फिर भी शाहजहां जो थे वो अपने बड़े बेटे दारा शिको को जो है वो मोहब्बत ज़्यादा करते थे वो उन्हें अपना सक्सेसर की तरह देखते थे हिज फादर्स कॉन्स्टेंट लव फॉर दारा शिको लेफ्ट हिम मिजरेबल कि भाई इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ खुद को इतना मैं प्रूव कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोकल रिवोल्ट आते थे या फिर जितने भी डिप्लोमेटिक इश्यूज़ आते थे चाहे वो राजपूत्स के साथ हो या फिर और भी अलग ए होम्स का हम रेवोल्यूशन की बात भी सुनते हैं तो ऐसे कई रेवोल्यूशनस को जो है सप्रेस करने में औरंगजेब बहुत सक्सेसफुल थे यू नो ही वॉज समवेयर ट्राइंग टू हेल्प आउट हिज डैड इन वॉचिंग आउट द एम्पायर इन रिटर्न फॉर हिज़ लव रिजेक्शन इस प्रपोजल बाय शाहजहां टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट बाय गोलकोंडा द कुतुब शाहिज एंड बिजापुर द आदिल लेफ्ट हिम डिप्रेस्ड अभी हमने देखा कि किस तरीके से डेकन में आते ही निज़ाम शाही डाइनासटी को एक एंड दिया औरंगजेब ने लेकिन औरंगज़ेब ने जो है गोलकोंडा यानी कि आज का जो हैदराबाद का एरिया है वो गोलकोंडा किंगडम हुआ करता था कुतुबशाही शाही डनासटी वहाँ पर होती थी तो शाहजहाँ के लिए औरंगज़ेब ने ये रिकमेंड किया कि वाई नॉट वी सबड्यू uh, या फिर और वाई नॉट वी रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट विद कुब शाहीज एज़ वेल एज़ आदिल यानी कि आज का मेजोरिटी कर्नाटक का जो एरिया आप देखते हैं चाहे वो बीजापुर हो या फिर गुलबर्गा बीदर जैसे एरियाज़ हैं तो वहाँ पर आदिल शाही थी तो औरंगजेब वॉन्टेड हिज फादर नॉट जस्ट टू सिट एंड स्पीक बट टू टोटली रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट एंड ब्रिंग दीज टू किंगडम्स टू एंड एंड वाई डोंट वी टेक दैम इन आर सुजारनेटी वाई डोंट वी एंड कुतुब शाहीज एज वेल एज़ आदिल शाहीज तो शाहजहां इसके खिलाफ थे क्योंकि शाहजहां एक बहुत ही टॉलरेंट आदमी थे वो डिप्लोमैटिक रिलेशन से आगे बढ़ना चाहते थे ना कि वॉर एंड बैटल सो दिस लेफ्ट द रिलेशन बिटवीन औरंगजेब एंड शाहजहां टू स्टिल मोर डिप्रेस्ड व्यू

तो इस तरीके से, से पूरे चार बेटों को जो है चार रीजन्स दिए गए थे तो देवर ऑलरेडी गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस अंडर मुगल एम्पायर द एम्पायर फेवर्ड द एल्डेस्ट दारा शिको अभी हमने देखा कि द रीज़न फॉर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन औरंगजेब एंड हिज फादर वॉज हिज लव टूवर्ड्स हिज एलडेस्ट सन दारा शिको समवेयर औरंगजेब वॉज नॉट हैप्पी दैट हिज फादर वॉज चूजिंग और हिज फादर वॉज फेवरिंग दारा शिको फॉर द एम्पर पोजिशन There was no Mughal tradition of pre-Moji nature. यानी कि जब हम देखते हैं कि जब कोई राजा मर जाता है अगर उसके चार बेटे हैं तो सबसे बड़ा एल्डेस्ट बेटा जो होता है उसे बादशाह घोषित किया जाता था इसे ट्रेडिशन ऑफ प्रीमोजी नेचर कहते हैं लेकिन मुगल्स मुग़ल ट्रेडिशन में ये नहीं था यानी कि द मोस्ट पावरफुल अमोंग दिस फोर सन्स वुड कम टू द थ्रोन ऐसा नहीं होता था कि बाप के मरने के बाद उनके सबसे बड़े एल्डेस्ट बेटे को थ्रोन दिया जाता था तो दिस वॉज समथिंग अ कॉज ऑफ़ कन्फ्लिक्ट वेयर औरंगजेब वॉज ट्राइंग टू लुक आउट फॉर द थ्रोन तो जैसा कि हमने देखा कि चार बेटों में चार प्रोविंसेस बांट दिए गए थे लेकिन द मोस्ट फेवरेबल वॉज दारा शिको सो दिस वॉज नॉट गोइंग गुड विद औरंगजेब एंड अबव ऑल देर वॉज नो ट्रेडिशन ऑफ प्रीमोजी नेचर सो दिस वॉज वॉट मेड औरंगजेब टू लुक आउट फॉर द थ्रोन इल हेल्थ एंड रूमर्स ऑफ डेथ ऑफ़ शाहजहां लेफ्ट द स्कोप फॉर वॉर ऑफ़ सक्सेशन अभी शाहजहां जो थे वो जिंदा थे लेकिन बीमार थे तभी जो है उनके चार बेटों के बीच वॉर हो गया सक्सेशन का तो आइए देखते हैं कि वो वॉर किस तरीके का था तो जैसा कि हमने देखा कि चार बेटे थे औरंगजेब के द एल्डेस्ट वन वॉज दारा शिको तो आप पिक्चर्स देख सकते हैं तो ही वॉज द सेकेंड वन शाह शुजा द थर्ड वन वॉज एक्चुअली औरंगजेब सॉरी औरंगजेब वॉज द थर्ड सन एंड मुराद बख्श वॉज द फोर्थ सन तो इन चारों के बीच जो है वॉर ब्रोकआउट हुआ कहीं ना कहीं औरंगज़ेब को सपोर्ट मिला मुराद बख्श का सो बोथ ऑफ देम मेड एन आर्मी बोथ ऑफ़ देम हेल्पड इच अदर एंड दे फॉट अगेंस्ट शाह शुजा एंड दारा शिको बोथ गॉट किल्ड दरअसल दाराशिको को जो है वो अरेस्ट किया गया था एंड लेटर ही वॉज एक्सिक्यूटेड लेकिन जब इन दोनों की टीम आगरा तक पहुंच गई वहां उन्होंने देखा कि अगेन देर इज अ चांस कि कहीं मुराद बख्श या फिर औरंगजेब इन दोनों में से कौन होगा द मोस्ट पावरफुल फॉर द थ्रोन तो कहीं ना कहीं औरंगजेब यूज ट्रचरी एंड ही गॉड बख्श किल्ड ही डिफीटेड मुराद बख्श एंड ही गॉट हिम एग्जीक्यूटेड सो दिस इज हाउ द वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोकआउट एंड औरंगजेब केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स द माइटी औरंगज़ेब तीन भाइयों को हराने के या फिर उन्हें मार देने के बाद द औरंगजेब नाउ बिकम्स आलमगीर 31 जुलाई 1658 एडी, औरंगजेब बिकम्स आलमगीर ही टेक्स द टाइटल ऑफ आलमगीर आलमगीर का माना द वन हु कॉन्कर्स यूनिवर्स ठीक है तो अपने तीन भाइयों को एग्जीक्यूट या फिर हराने के बाद आलमगीर औरंगज़ेब जो है वो तख्त पर विराजमान होते हैं

जैसा कि हम देख सकते हैं कि चाहे वो शाहजहां हो जहांगीर हो या अकबर या फिर बाबर भी क्यों ना हो दे ऑल यूज अ पॉलिसी ऑफ़ टॉलरेंस टूवर्ड्स हिस काउंटर पार्ट्स तो इसी की वजह से जो था वो मुग़ल सुजारनी राजपूत मराठास या फिर जो जितने भी लोकल राजा महाराजा थे उन्होंने एक्सेप्ट किए फॉर वन रीजन दैट मुगल्स वर टॉलरेंट टुवर्ड्स देयर रिलीजन एंड टुवर्ड्स देयर कल्चर His imperial bureaucracy employed significantly more Hindus than that of his predecessors. कई लोगों का तो मानना यह भी है कि nearly 32% जो है ज्यादा हिंदूस थे इनके uh, employment में high official bureaucrats में when compared with his predecessors. यानी कि औरंगजेब employed more Hindus in his court than his predecessors.

तो ये एक ऐसे बादशाह थे जो भरोसा करते थे कि एम्प्लॉयमेंट शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी के उसके पर्सनल मेरिट पर होना चाहिए ना कि उसके रिलीजन पर अंडर औरंगज़ेब रीन हिंदूज़ रोज़ टू रिप्रेजेंट 31.6 परसेंट ऑफ मुगल नोबिलिटी द हाइएस्ट इन मोगल एरा अभी हमने जो बात की कि नियरली 32 परसेंट जो है वो ज़्यादा हिंदू रिप्रजेंटेटिवस थे मुगल कोर्ट में वेन इट कम्स टू द रीन ऑफ़ औरंगज़ेब Empires tend to fall when they stretch beyond. so what was the main issue which happened or which went wrong with Aurangzeb? आखिर वो reasons क्या थे जिसके लिए आ, मुगल empire जो था वो end पर आ गया या फिर वो decline होना start हो गया? बाई सिक्सटीन सिक्सटीज़ औरंगजेब बिकेम सेकेंड ओनली टू अशोका इन कॉन्क्वरिंग एंटायर सब कॉन्टिनेंट जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये पूरा रीजन यानी कि हिंदू खुश माउंटेन से लेकर या मद्रास से पौंडीचरी तक के पूरे एरिए को मुगल सुजारनेटी में लाया था औरंगजेब ने यहाँ पर जो है उन्होंने डिक्क्न में गोलकोंडा या फिर कुतुब शाहिज को उन्होंने हराया हुआ था यहाँ पर आदिल शाहिज को भी उन्होंने हरा कर इस पूरे एरिए को जो है मुग़ल सुजारनी में सबड्यू कर दिया था तो एक्सेप्ट फॉर अशोका औरंगजेब इज़ द ओनली सेकेंड ओनली रूलर टू हैव कॉन्कोड द एंटायर सब इंडियन कॉन्टिनेंट तो देखिए दिस वॉज वन ऑफ द मेन रीज़न वॉज ऑल्सो फॉर हिज डाउनफॉल क्योंकि आप यहाँ पर बादशाह आगरा में हैं ही इज़ ट्राइंग टू सपोर्ट एवरी थिंग फ्राम दिस फ्राम दिस पॉइंट एंड समवेयर इट इज़ बियॉन्ड हिज़ रीच क्योंकि हर जगह पर आप अपने वर्ती गवर्नर्स को भेजें देखिए कितने दूर तक जो है वो किंगडम स्ट्रेच हो गया है तो कहीं ना कहीं इट वॉज़ प्रॉब्लमैटिक के एक ही आदमी यहाँ पर से सेंट्रलाइज गवर्नेंस चला रहा है सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी चला रहा है ही शुड ऑल्सो लुक आउट फॉर द ट्रेचरी इन द कोट ही शुड ऑल्सो लुक आउट फॉर एनी फॉरन इन्वेशंस तो ये कहीं ना कहीं एक्सटेंडिंग टू मच और फिर बियॉन्ड इंडिविजुअल कंट्रोल वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द डाउनफॉल आफ्टर ट्वेंटी टू ईयर्स ऑफ हिज रीन ही एन डी वू मेक इस्लाम अ डोमिनट फोर्स इन रीन तो हमने जैसा कि देखा कि पहले ट्वेंटी टू ईयर्स बहुत ही टॉलरेंट थे लेकिन ट्वेंटी टू ईयर्स के बाद जो है ही समवेयर स्टार्टेड के इस्लाम शुड बी मेड अ डोमिनेट रिलीजियन अंडर हिज रीन अंडर हिज एम्परशिप डीज एफर्ट्स ब्रॉड हेम इन टू कन्फ्लिक्ट वर अपोज टू हिज रिवाइवल जाहिर सी बात थी ही इम्पोज जिजिया दरअसल जिजिया जो है वो इस्लामिक शरीयत में एक टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता है जैसे कि हिंदूज क्रिस्टियन सिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर दरअसल ये एक टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स पे करते हैं स्टेट को फॉर फॉर्दर प्रोटेक्शन तो ये इम्पोज़ करना कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल था क्योंकि उनके प्रोड्यूसर्स में किसी ने भी जिजिया को है इम्पोज़ नहीं किया था हालांकि अकबर ने इसे अबोलिश भी करवाया था और फिर शाहजहां जहांगीर और बाबर ने भी इसे कहीं ना कहीं बीच में अबोलिश किया था बिकॉज इट वॉज़ कॉन्ट्रोवर्शियल हिज अग्रेसिव पॉलिसी ऑन टेम्पल्स एंड मॉस्क तो आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे लेकिन ही हैज़ डिस्ट्रॉयड बोथ टेम्पल्स एज़ वेल एज़ मॉस्क उन्हें जहाँ कहीं भी डाउट आता था कि देर वॉज अ रेबेलियन और देर वॉज अ थ्रेट अगेंस्ट किंगडम ही यूज़ टू ऑर्डर और ही यूज़ टू यू नो गिव गिव इंस्ट्रक्शंस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ देर दो टेम्पल्स एंड मॉस्क तो दिस वॉज अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जीक्यूशन ऑफ ओपोनेंट्स तो जितने भी लोग इनके खिलाफ रेबल करते थे या फिर जितने भी लोग इनके खिलाफ उंगलियाँ उठाते थे लिटरली ही यूज़ टू क्रश दम सो दिस वॉज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट क्योंकि देखिए डिसेंट देना अलग बात है और फिर आप उस डिसेंट को बींग अ रूलर इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इट लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना कि भाई समबडी इज़ पॉइंटिंग अगेंस्ट मी एंड इट विल लोअर माई रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी वुड लिटरली गो अगेंस्ट रूलरशिप और एम्परशिप तो कहीं ना कहीं दिस वॉज वॉट वेंट रॉन्ग सो अनलाइक हिज प्रडिसर्स औरंगजेब बिट्टरली फेल्ड इन बिकमिंग अ बेनोवलेंट एम्पर रादर देन ही वेंट ऑन टू बिकम अ डिक्टेटर द फॉल हाउ डिड द फॉल ऑफ औरंगज़ज़ज़ेब द माइटी आलमगीर एक्चुअली बिगन सतनामी ओपोजिशन, दरअसल सतनामीज जो थे वो पेजेंटरी ग्रुप से या फिर एग्रीकल्चरलिस्ट थे आज के ज़माने का जो मध्य प्रदेश का आप एरिया देखते हैं तो ये सतनामीज वहाँ के रहने वाले थे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता से रिवलियन स्टार्ट हो गया तो रिवॉल्ट वहाँ से स्टार्ट हो गया गिवेन टू द अग्रेसिव पॉलिसिस ऑफ औरंगज़ेब हमने अभी देखा कि जिजिया इम्पोज़ किया जा रहा था और कहीं ना कहीं क्रॉप्स पर भी जो है टैक्स बढ़ाए गए थे बिकॉज एज वी हैव सीन दैट द एम्पायर हैज स्ट्रेच बियॉन्ड द कंट्रोल और बियॉन्ड द लिमिट्स तो इतने पूरे ब्यूरोक्रेसी को इतने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज पॉलिटी को चलाने के लिए इंक्रीज टैक्सेस फॉर नेसेसरी तो कहीं ना कहीं सतनामीज जो है वो देख रहे थे कि औरंगजेब वॉज अगेंस्ट देर रिलीजन एंड देर ऑक्यूपेशनल लाइफ सिक्स कही ऑपोजिशन कहीं ना कहीं सिखों में भी जो था वो ऑपोजिशन बढ़ रहा था हम जानते हैं कि सिखों के गुरु थे गुरु तेज बहादुर तो ही वॉज़ एक्चुअली अगेंस्ट द मुग़ल एम्पायर या फिर मुग़ल पॉलिसी ऑफ फ़ोर्सफुल कन्वर्शन ऑफ सिक्स इंटू मुस्लिम्स दरअसल होता यह था कि मुग़ल नोबिलिटी जो पंजाब के एरिया में उस वक्त होती थी वो कहीं ना कहीं सिक्स को इन्फ्लुएंस करती थी उन्हें फ़ोर्सफुली मुस्लिम्स में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करती थी तो गुरु तेज बहादुर उसके ख़िलाफ़ थे तो कहीं ना कहीं सिख्स का अपोजिशन भी इसके ख़िलाफ़ था और वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुगल सुजारनेटी या फिर औरंगजेब आलमगीर के ख़िलाफ़ था क्योंकि देखिए बादशाह के हाथ में इमेंसिव पार्स होते हैं अगर वो चाहते तो इस तरीके के फोर्सफुल कन्वर्सन्स को स्टॉप कर सकते थे लेकिन दरअसल बादशाह औरंगज़ेब ने जैसा कि अभी हमने देखा कि ही फॉलोड अ रूथलेस पॉलिसी ऑफ एग्जीक्यूटिंग हिज ऑपोनेंट्स तो उसी तरीके से उन्होंने सिख के गुरु गुरु तेज बहादुर को जो है वो एग्जीक्यूट करवाया तो कहीं ना कहीं दिस वॉज ऑल्सो अ मेन रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ औरंगजेब दट देर वर अ बिट्टर अपोजिशन फ्रॉम सिख कम्युनिटी फॉर औरंगजेब एंड मुगल एम्पायर पश्तून अपोजिशन तो दरअसल पश्तून जो है वो एक ट्राइब थे मुसलमानों में या फिर इस्लामिक कम्युनिटी में तो दैन वर आल्सो अपोजिशन फ्रॉम पश्तून कहीं ना कहीं औरंगज़ेब को जो है वो खासकर जो अफगानी पश्तून्स होते थे उनके तरफ से इन्वेजन का भी थ्रेट होता था और कई बार नोबिलिटी में भी राजपूतों को ज़्यादा प्रेफरेंस देने पर पश्तून अपोजिशन रेबल करता था या फिर रिवोल्ट करता था औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ मराठा ऑपोजिशन जैसे कि आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं दरअसल यहां पर छत्रपति शिवाजी हैं अपोजिंग आलमगीर और यहां पर बादशाह औरंगजेब आरंग, बैठे हुए हैं दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे शाहजी बोसले उनके बहुत ही कॉर्डियर रिलेशनशिप्स थे मुग़ल एम्पायर से हालांकि शाहजहां और जहांगीर के वक्त शा शाहजी भोंसले जी जो थे वो पुणे जागीरदार के जागीर थार थे यानि कि वहाँ का जो एरिया था दक्कन में पुणे का उन्हें शाहजी महाराज यानी कि छत्रपति शिवाजी के शाहजी भोंसले जो थे छत्रपति शिवाजी के पिताजी उन्हें वहाँ की जागीरदारी दी गई थी लेकिन जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज को जो है ऐलान कर दिया कहा कि हिंदुस्तान शुड बी रूल्ड बाई हिंदूज ओनली तो कहीं ना कहीं एक अपोजिशन मराठास का भी एराप्ट हो गया या फिर एक रिवोलियन स्टार्ट हो गया मराठास में औरंगजेब और मुगल एम्पायर को लेकर राजपूत अपोजिशन अभी हमने देखा कि कहीं ना कहीं सीखों में फोर्सफुल कन्वर्शंस हो रहे थे और राजपूत को जो है नोबिलिटी में भी अच्छे खासे पोजीशंस मिल रहे थे हमने देखा कि 30% मोर हिंदूसवार एम्प्लॉयड तो कहीं ना कहीं दिस वाज आल्सो अ कॉज फॉर बिटर रेवलरी बिटवीन राजपूत तो राजपूतों में जितने भी कॉन्फिडरीस थे जो अजमेर या फिर मेवा मारवार या फिर उदयपुर या जितने भी अलग अलग जो छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उनके बीच कहीं ना कहीं इंटरनल कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो इस तरीके से राजपूतों का ऑपोजिशन भी बहुत बढ़ गया मुगल को लेकर क्योंकि वो कहीं ना कहीं देख रहे थे कि दिस वाज अ थ्रेट अगेंस्ट देयर रिलीजन एंड देयर फ्रीडम या फिर वतन जागीर जो जिए जाते थे मुगल मुगलों के द्वारा तो कहीं ना कहीं दे फील्ड दैट देयर वाज अ थ्रेटन टू दिस तो इस तरीके से द डॉन ऑफ अनसुटेबल टू पॉपुलेशन ऑफ हिज एम्पायर हमने अभी जो देखा कि हिंदुस्तान को रूल किया गया मुगल्स सिंस द टाइम्स ऑफ बाबर यानी कि 1527 एडी जब पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई तो वहां से लेकर जो है uh, 16 सिक्सटीज तक या फिर इवन सेवेंटीन नॉट सेवन ए डी जब औरंगज़ेब की मौत हुई वहाँ तक भी जो है हिंदुस्तान कहीं ना कहीं वो स्ट्रगलिंग विथ फॉरन रूल नो डाउट बट नो वेयर मुगल एम्पायर या फिर मुगल एम्पायर्स हुर प्रोड्यसर्स टू औरंगजेब मेड इंडियंस फेल्ट इन दैट वे क्योंकि कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर का जो नेचर था वो सेक्यूलर था वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था कि यू आर फ्री टू फॉलो योर ओन रिलीजियन लेकिन कहीं ना कहीं औरंगजेब वॉज गोइंग अगेंस्ट दिस सेक्युलर नेचर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन तो कई हिस्टोरियंस का या फिर कई उसके जो क्रिटिक्स थे उनका यही आर्ग्यूमेंट था कि भाई इट वॉज हिज रिलीजियस बिगटरी विच मेड हिम टू डाउनफॉल He died at his military camp in Bhing Nagar near Ahmednagar on 20th February 1707 at the age of 89. So literally 89 years of age he died. Or और उन्हें औरंगाबाद जो कि आज का औरंगाबाद है और जो कि उस वक्त का कुलदा बात था या फिर दौलता बात था वहाँ पर उन्हें दफन किया गया. So this is where you can find this is his mausoleum actually. This is his grave. He had only 300 rupees with him, which were later given to charity as per his instructions. So, when मुगल बादशाह या फिर आलमगीर द और ऑफ यूनिवर्स जब मर गया ही हैड ओनली थ्री हंड्रेड रुपीज़ विथ हिम एंड इट वॉज ऑल्सो गिवन टू चैरिटी एज पर हिज इंस्ट्रक्शंस ही प्रेयर टू हज डेथ रिक्वेस्टेड नॉट टू स्पेंड एक्स्ट्रा वागेंटली ऑन हिज फ्यूरल बट टू कीप इट सिंपल हम देखते हैं कि बाबर बाबर को जो दरअसल जो है वो मुगल गार्डन अफ़ग़ान या फिर बाबर गार्डन अफ़ग़ानिस्तान में दफन किया गया है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है अकबर को जो है वो फतेहपुर सिकरी में दफन किया गया है शाहजहां आगरा में है तो इस तरीके से और जहांगीर का मसोलियम पाकिस्तान में है तो औरंगजेब और वॉज अगेंस्ट दैट वो नहीं चाहता था कि उसके खबर पर कोई मसोलियम बनाया जाए बड़े बड़े डूम्स बनाए जाए तो ही वॉज अ मैन ऑफ सिम्प्लिसिटी सो ही वॉन्टेड हिज बैरियल टू बी वेरी सिंपल तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि दरअसल एक ओपन ग्रेव जिसे कहते हैं यानी कि या फिर ओपन ग्रेव जिसे कहते हैं, मोसोलियम ओवर द टॉप तो इस तरीके से सिंपल तरीके से औरंगजेब को दफनाया गया टर्ब्यूल तो इमीडिएटली जब मुगल बादशाह या फिर आलमगीर की मौत हो गई सेवनटीन नॉट सेवन ए डी तो किस तरीके से मामला बिगड़ गया डाइड टू होल्ड हैविंग आउटलुड मिनी ऑफिस चिल्ड्रन तो मुगल बादशाह औरंगजेब के बहुत से बच्चे थे और ही Ruled nearly for 50 years. His rule was for nearly 50 years, and he himself was 89 when he died. A string of weak emperors. वॉर ऑफ सक्सेशंस एंड कूप्स बाई नोबल मैन हेराल्डेड द इिवोकबल वीकनिंग ऑफ मुगल पावर कहीं ना कहीं वीक एम्पायर्स तो जिस तरीके से आयरन हैंड के या फिर आयरन फिस्ट के साथ आलमगीर ने मुगल एम्पायर को चलाया था उस तरीके से आयरन फिस्ट के साथ चलाने वाले कोई भी एम्पायर्स औरंगाजेब के बाद नहीं आए उस लीनियज में देर वॉर ऑल्सो वॉर ऑफ़ सक्सेशंस अभी हमने देखा कि ये आउटलूड मिनी ऑफिस चिल्ड्रन तो Uh, मुगल में जो है वो प्रीमोजी नेचर का ट्रेडिशन भी नहीं था तो वॉर ऑफ सक्सेशंस ब्रोकआउट वेरी फ्रीक्वेंटली एंड कूब्स बाय नोबल हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो थे अरप्ट हुए आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब तो देर वर मेनी कूब्स बाय नोबल मैन हु यूज टू वर्क इन हिज कोर्ट हेर आर डेट द इरेवेकेबल वीकनिंग ऑफ मुगल पावर बोथ बिकॉज ऑफ औरंगजेब्स ओवर एक्सटेंशन एंड बहादुर शाह वीक मिलिटरी एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ एंटर्ड अ पीरियड ऑफ टर्मिनल डिक्लाइन अभी हमने देखा कि देर वॉज अ स्ट्रिंग ऑफ वीक एम्पायर्स तो बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद उनके सबसे बड़े एलडेस्ट सन बहादुर शाह द फर्स्ट टू कोवर ही हिमसेल्फ वॉज सिक्सटी थ्री ईयर्स वेन ही बिकेम द एम्पायर तो बादशाह ही खुद बूढ़े थे तो वॉट विल ही रूल द एम्पायर विद एन आयरन फिस्ट तो कहीं ना कहीं बहुत औरंगज़ेब के ओवर एक्सटेंशन पॉलिसीज भी अभी हमने देखा कि नेक्स्ट टू अशोका ही वॉज द ओनली सेकेंड एम्पायर टू कॉन्क द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट

एंड इट स्टार्ट अ बिगिन और फिर इट गिव्स अ रीज़न फॉर द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्टार्ट ऑफ डिकल ऑफ मुगल एम्पायर एंड द स्टार्ट ऑफ डोमिनेशन ऑफ यूरोपियन पार्स इन इंडिया तो कहीं ना कहीं औरंगाजेब जो था वो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान की हिस्ट्री के लिए क्योंकि इट वॉज डाउनफॉल ऑफ औरंगाजेब विच लेट टू द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड इट वॉज डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर विच लेट टू द डोमनेंस ऑफ यूरोपियंस तो ये था पहला चैप्टर द फॉल ऑफ औरंगजेब थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो